अंबेडकर नगर। 10 गांव के रास्ते को रेलवे ने किया बंद, ग्रामीणों में आक्रोश, ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर किया हंगामा। जनपद में अकबरपुर से टांडा जाने वाली रेलवे लाइन पर स्थित मैमपुर के पास बने रेलवे क्रॉसिंग अस्थायी रूप से बंद किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने अकबरपुर टांडा मार्ग को पटेल नगर के पास जाम कर दिया। ग्रामीण सड़क पर जमकर हंगामा करने लगे। बता दें कि रास्ता सांसद रितेश पांडे के पैतृक गांव को जोड़ता है। अकबरपुर थाना इलाके के अकबरपुर टांडा रेलवे ट्रैक पर मैमपुर के पास बने रेलवे क्रॉसिंग को अस्थायी रूप से बंद किए जाने से नाराज सैकड़ों से ज्यादा ग्रामीणों ने अकबरपुर टांडा मार्ग को पटेल नगर के पास जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। जाम की सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर बीरेन सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाने से महमदपुर समेत दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीणों को आने जाने में समस्या होगी। ग्रामीणों ने कहा यहां पर क्रॉसिंग फाटक बनवाने की मांग को लेकर कई बार पत्राचार किया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण शिवम ने बताया कि क्रॉसिंग बंद हो जाने से लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। हमारे सारा तरफ से कोई शिकायत नहीं है सर, रुकावट 10 गांव का रास्ता है। अगर 10 गांव के लोग नहीं आएंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, हम लोग मजदूर मरेंगे, अगर रास्ता नहीं पाएंगे तो जाएंगे किस तरफ से। यही हमारी मांग है, रास्ता खुले बस, और कोनो मांग ना था। सरकार से यही मांग है कि रास्ता खुले, यहाँ क्रॉसिंग लगे, यहाँ क्रॉसिंग लगे, चाहे जनता से भले सरकार वोट मांगत बा और रास्ता सही ना क्यों का आत्मनिर्माण ना क्यों, नेता लोग यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ा कि क्यों नेता लोग यहाँ पर आए कोई निर्माण करे। अरे यहाँ पे गांव के तो सांसद भी हैं, सांसद भी है, सांसद की भी फोन लगा रहे हैं, कोई नहीं फोन उठा रहा है। लिंक रोड इल्फात रोड पे जाके मिलती है जिसके बीच में कम से कम तकरीबन 10 से 12 गांव आते हैं जिसके बीच की टोटल आबादी 50 से 60 हजार के बीच में है, उससे 50-60 हजार के ऊपर है, जहां से हम लोग का आवागमन टांडा रोड से सुचारू रूप से होता रहता है। अभी विगत 2 दिन पहले एक बुलेरो के कारण जिसने अपनी गाड़ी को मेन रेलवे ट्रैक पर रोक दिया था और रेलवे की ट्रेन आ रही थी जिसने मानवता दिखाते हुए ये सोचा कि गाड़ी बिगड़ न गई उसने रोक दिया और उन दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी होने के नाते रेलवे ने एक्शन लेते हुए फिर ये अपना बंद करने का कार्यक्रम कर दिया रास्ते को। ये जो जमीन है हमारी ही थी जिसने जिसको रेलवे ने पहले ले लिया हमसे, लेकिन बस हम यही चाहते हैं जो हमारी इतनी बड़ी आबादी है जो सुचारू रूप से हम ये यातायात इस जगह से करते हैं इसको रेलवे ना बंद करे। हम अपने आला अधिकारियों से और सांसद जी से हम जाके कहेंगे, पत्राचार करेंगे कि वो इस रास्ते को हमें फिर से दिलाएं। धन्यवाद। हम महमदपुर से हैं और ये सारे जनता हमारी महमदपुर और राबीपुर की है जिन्होंने अपने आंदोलन के द्वारा इस रास्ते को पुनः खोलने के लिए यहाँ पे आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। यहाँ के सांसद आपके गांव के हैं उनसे कभी? देखिए सांसद जी से हमारी बात हुई है, सांसद जी का हमेशा हम लोग के लिए एक सहयोग रहा है, लेकिन जब इसमें हम लोग सांसद जी के पास जाते हैं तो बस यही एक बात वहां से मिलती है कि आश्वासन मिलता है कि हाँ ठीक है ये काम हो जाएगा। आता एक बात यही है कि बगल में हमारे यहाँ से 500 मीटर पे एक बहादीपुर गांव है जहाँ भी एक रेलवे क्रॉसिंग लगी हुई है। कुछ ये कारण भी हो सकता है कि यहाँ दोबारा दूसरी रेलवे क्रॉसिंग नहीं लग पा रही है, लेकिन जो बहादीपुर के रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ बस एक गाँव है और यहाँ से इस रेलवे क्रॉसिंग पे इसलिए महत्वपूर्ण रखती है ये जगह खुलनी चाहिए। यहाँ कम से कम 10 से 15 गांव को जोड़ती है ये सड़क जो आपको टांडा इल्फातगंज होते हुए सीधे टांडा पहुंचा देती है टांडा रोड से होते हुए। अगर ये मांगे आपकी नहीं पूरी होती है ताकि 2 दिन में रास्ते नहीं खुलते ताकि क्या करेंगे आप? देखिए अगर हमारी मांगे नहीं होती है तो हम किसी भी प्रकार से आंदोलन ना करते हुए एकदम शांतपूर्ण तरीके से हम अपने आप को अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे गांव की सम्मानित जनता हमारे साथ चलेगी, हम उनको अपनी समस्या के बारे में बताएंगे किस प्रकार हम चिकित्सा से दूर हो जाएंगे अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा, हम अपने आप को समाज से दूर हो ना पाएंगे क्योंकि अगर ये हमारा रास्ता बंद हो जाता है तो हम सब प्रकार से अपने आप को शहर से दूर पाएंगे।